सबसे प्रथम मंचासीन आदरणीय प्रिंसिपल महोदय श्रीमती पूजा रसगोत्रा जी, मेरे छोटे भाई पंकज एवं मेरी छोटी बहन इशरत को मेरा अभिनंदन। मध्य सम्मुख बैठे तमाम छात्र शक्ति, मातृ शक्ति और अध्यापकगण को मेरा अभिनंदन। आज के इस कार्यक्रम में 19 नवंबर सन 1835 को जन्मी श्रीमती हम सबकी सुपरिचित रानी लक्ष्मीबाई का जन्म दिवस है और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मित्रों, इस प्रकार के कार्यक्रम पूरे देश भर में ताकि छात्र जो हैं अपने जो पूर्वज हैं उनको स्मरण रखें, क्योंकि हम अक्सर एक चीज़ कहते हैं, जो व्यक्ति अपना इतिहास भुला देता है वो अपना भविष्य जला देता है, ये हम लोग कहते हैं। क्योंकि जितने भी हमारे महान योद्धा हुए उन्होंने इस देश के लिए कुर्बानी दी ताकि आने वाली जो पीढ़ी है वो एक सुनहरा भविष्य, एक आज़ाद भारत देख सके। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर गर्म वस्त्र अभियान चलाता है। 23 मार्च को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी का शहादत दिवस होता है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उस दिन ब्लड डोनेशन कैंप लगाता है। 22 अक्टूबर को अशफाकुल्ला खान जी की जयंती होती है। जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, विद्यार्थी परिषद ये कोशिश करता है कि हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में अशफाकुल्ला खान को स्मरण किया जाए। 19 नवंबर को जैसे आज आपके स्कूल में कार्यक्रम किया जा रहा है, सेमिनार किया जा रहा है, उसी तरह 16 और कैंपसेस में आज ही के दिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की विभिन्न इकाइयां कार्यक्रम कर रही हैं। 6 दिसंबर को बीआर अंबेडकर जी की जयंती होती है। बहुत सारे हम लोग कार्यक्रम उस दिन भी करते हैं, क्योंकि हम लोग अक्सर एक चीज कहते हैं कि मरणशील संसार में जीवन बदले भेष, राष्ट्र धर्म जिए मरे उसे ना भूले देश। जिनकी भी जिन्हें भी जिन्होंने हमारे देश के लिए अपने प्राण न्योछावर किए उन्हें हम सदा स्मरण करें, यह प्रयास अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का रहता है। आज नारी सशक्तिकरण दिवस के रूप में ये कार्यक्रम मनाया जा रहा है। हमारे भारत चिंता प्रक्रिया में ये चीज अक्सर कहने को आती है, यत नारी पूज्यते तद रमते देवता। जिस देश में नारी की पूजा होती है, जिस देश में नारी की इज्जत होती है, जिस समाज में नारी को पूजा जाता है, उस समाज में ही अच्छे लोग देवता निवास करते हैं। और भारतीय चिंता परंपरा में कभी भी अगर हम उठा के देखें तो तीन चीजों की आवश्यकता मूलभूत रूप से होती है पूरे विश्व, पूरे समाज, पूरे देश को चलाने के लिए। सर्वप्रथम धन, द्वितीय क्रमांक पर शक्ति, तृतीय क्रमांक पर बुद्धि। अब इसका जवाब आप लोग मुझे देंगे, हमें धन चाहिए तो हम किसकी पूजा करते हैं? लक्ष्मी माता की। किसका प्रतीक है? स्त्री का। द्वितीय क्रमांक पर बुद्धि, हमें बुद्धि चाहिए, हम लोग किसकी पूजा करते हैं? किसका प्रतीक है? स्त्री का। तृतीय क्रमांक पर शक्ति, किसकी पूजा करते हैं? माँ दुर्गा की। किसका प्रतीक है? स्त्री का। तो भारतीय जनता प्रक्रिया में कभी भी स्त्री शक्तिकरण जैसा वाक्य आया ही नहीं। भारतीय चिंता प्रक्रिया में अगर विषय आया तो वो विषय था स्त्री पुनर्जागरण। जब रानी लक्ष्मीबाई जन्मी थी उस समय किसी भी प्रकार के नारी सशक्तिकरण के आंदोलन नहीं चले कभी भी। 1835 में कोई भी स्त्री शक्तिकरण दिवस का आंदोलन नहीं था, कोई भी स्त्री शक्तिकरण के लिए कोई आंदोलन नहीं था, कोई ऐसे सेमिनार नहीं कराए जाते थे। 1835 में जब रानी लक्ष्मीबाई जन्मी और हम लोग उनको किस चीज के लिए जानते हैं, भाई खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी। 22 साल 7 महीने की छोटी सी उम्र में तीनों दायित्वों का पूरी तरह से निर्वाह करते हुए, चाहे वो एक बेटी के रूप में रहा हो, चाहे वो एक पत्नी के रूप में रहा हो, चाहे वो एक माँ के रूप में रहा हो और चाहे वो एक योद्धा के रूप में रहा हो, तीनों दायित्वों का पूरी तरह से निर्वाह करते हुए वो इतिहास में अजर अमर हुई। नारी शक्तिकरण जैसा विषय कभी भारतीय चिंता प्रक्रिया में रहा ही नहीं। नारी पुनः जागरण, वही विद्या जो उनके बेटे को दी गई, जो नारी जो लक्ष्मीबाई जी के भाई को दी गई, वही विद्या, वही धनुर विद्या, वही तलवारबाजी, वही घुड़सवारी की विद्या रानी लक्ष्मीबाई को भी दी गई। और
रानी लक्ष्मीबाई की अगर हम बात करें, रानी लक्ष्मीबाई 22 साल 7 महीने की छोटी सी उम्र, 19 नवंबर को जन्मी और 1854 में वीर गति को प्राप्त हुई। रानी लक्ष्मीबाई जब तमाम जितने भी राजा महाराजा ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने अपने घुटने टेक चुके थे, उस समय जब रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर सर ह्यू रोज ने ये लेटर लिखा कि नहीं, जो ये, क्योंकि उस समय लॉर्ड डलहौजी ने एक चीज निकाली थी कि जितने भी राजपाट हैं वो अगर राजा की मृत्यु होती है और राजा पुत्रहीन है तो वो राजपाट, वो राज्य जितना भी है वो सारा अंग्रेजों के पास जाएगा। और रानी लक्ष्मीबाई जी के पुत्र का जन्म 1851 में हुआ और 3 महीने में उसकी मृत्यु हो गई और रानी लक्ष्मीबाई फिर से पुत्रहीन हुई, तो उन्होंने एक पुत्र को गोद लिया, उसका नाम रखा गया दामोदर। और लॉर्ड डलहौजी ने यह कहा कि जो अडॉप्टेड सन है उसके हवाले हम लोग राजपाट नहीं करेंगे। तो जब लॉर्ड डलहौजी का यह पत्र रानी लक्ष्मीबाई के पास आया तो उन्होंने दृढ़ता से कहा, एक दृढ़ संकल्प से कहा कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। आज की नारी में भी एक चीज स्मरण करने की जरूरत है, आप सशक्त हैं परंतु एक चीज की कमी है, हर किसी में नहीं परंतु कुछ लड़कियों में, कुछ छात्राओं में एक चीज की कमी है, आत्मबल। और वो इस प्रकार के कार्यक्रम जो विद्यार्थी परिषद आयोजन करता है उनसे आप लोग क्या पता शक्ति ले सके, उनसे आप लोग कुछ सीख सके। क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई अक्सर कहा करती थी कि प्रकाश कभी बुझता नहीं है, प्रकाश कभी खत्म नहीं होता, वो कण कण में बसा है, जरूरत है तो सही वक्त सही मौके। हम लोग अक्सर एक चीज कहते हैं कि संघर्षों के साय में बेखौफ जवानी पड़ती है, संघर्षों के साय में बेखौफ जवानी पड़ती है, उस और जमाना चलता है जिस और जवानी चलती है, जिस और जवानी चलती है। ऐसे लोगों को स्मरण करके हम लोग भी अपने अंदर वो आत्मबल ला सकते हैं, वो दृढ़ता, वो संकल्प ला सकते हैं जो रानी लक्ष्मीबाई ने अपने जीवन में हम सबको दर्शाया है, जिसका मार्गदर्शन रानी लक्ष्मीबाई अपनी जो जीवनी उनसे करते आई है। अंत में जब रानी लक्ष्मीबाई का युद्ध हुआ ग्वालियर में, ग्वालियर का एक राजा हुआ करता था जो कि रानी लक्ष्मीबाई की तलवार की डर से भाग खड़ा हुआ, जब उन्हें पता लगा कि रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर में प्रवेश कर चुकी है, उसका नाम था जीवाजीराव सिंधिया। जीवाजीराव सिंधिया का परिवार आज भी राजघराने का परिवार माना जाता है ग्वालियर में। आज भी उन्होंने क्या किया जीवाजीराव सिंधिया जी ने, अंग्रेजों के साथ संधि की, एग्रीमेंट किया कि अगर मैं आपको रानी लक्ष्मीबाई की जो अंदर की खबरें हैं वो दूंगा तो आप मुझे पुनः ग्वालियर का राजपाट दिलवाएंगे क्या? अंग्रेजों को चाहिए क्या था? अंग्रेजों ने बोला बिल्कुल दिलवाएंगे। और नतीजा स्वरूप जीवाजीराव सिंधिया ने मुखबरी की और रानी लक्ष्मीबाई अंतिम युद्ध में ग्वालियर के युद्ध में बहुत लड़ी, खूब लड़ी, कई हजारों सैनिकों के ऊपर वो भारी पड़ी। जब वो अपने घोड़े पर से सवार होकर तलवार लेके दोनों हाथों में निकलती तो स्वयं माता दुर्गा का रूप धारण कर, स्वयं ऐसा लगता है शक्ति का प्रतीक आ रहा है सामने से। और हम सब जानते हैं कि जब लड़ते लड़ते रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हुई पूरे देश के इतिहास में अजर अमर हुई। मित्रों, इस प्रकार के कार्यक्रम विद्यार्थी परिषद केवल इसलिए नहीं ऑर्गेनाइज करवाता कि आप सबके बीच में हम लोग आके भाषण दे या कोई चार बच्चे आके भाषण दे, इसलिए ऑर्गेनाइज करवाता है ताकि आप सबको भी ये चीज का स्मरण रहे कि जिन्होंने अपना जीवन पूरे इस देश के लिए, देश की आजादी के लिए दिया हो उनको हम भूले ना। क्योंकि अक्सर एक पंक्तियां मेरे ध्यान में किसी कवि की आती है कि घर घर दीप जलाने वालों, अपना दीप बुझाने वालों, या इसको छोड़ें तो उनकी कब्र पर ना जला एक भी दिया, जीवाजीराव सिंधिया के लिए कहा गया है कि उनकी कब्र पर ना जला एक भी दिया, जिनके खून से जला करते थे चिरागे वतन, उनकी कब्र पर ना जला एक भी दिया, जिनकी खून से जला करते थे चिरागे वतन, और उनके घर से सजे दिवाली की तरह जो बेचा करते थे कभी शहीदों के कफन, शहीदों के कफन।
आप सबको आह्वान करता हूँ, तमाम छात्रा शक्ति मातृशक्ति जो यहाँ बैठी है, आप सबको आह्वान करता हूँ कि आइए। विद्यार्थी परिषद आपका हाथ खोल के स्वागत करता है। जम्मू कश्मीर प्रदेश की जो मंत्री, जो स्टूडेंट लीडर फेस होता है विद्यार्थी परिषद का, वो एक स्त्री है, वर्षा जंडियाल, स्टेट सेक्रेटरी ऑफ एबीवीपी, मंच दिया है विद्यार्थी परिषद। आपके यहाँ की कॉलेज सेक्रेटरी, आपके यहाँ की स्कूल सेक्रेटरी इशरत, स्कूल सेक्रेटरी है, मंच दिया है विद्यार्थी परिषद ने आपको ऐसे मंच पर आके बोलने का। आपने समाज उद्धार का काम करना है, आइए हमारे पास एसएफडी है। आपने मेडिकल लाइन में कोई काम करना है, आइए हमारे पास मेडिविजन है। आपने एग्रीकल्चर सेक्टर में सर्व करना है, आइए हमारे पास एग्रीविजन है। आपने छात्र आंदोलन करने हैं, आपने छात्रों के अधिकारों के लिए लड़ना है, आइए प्रत्यक्ष रूप से विद्यार्थी परिषद आप सबके बीच में खड़ा है। आप सबको यही आह्वान करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद।